हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉ एस लॉ। तो हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड ऑन बोर्ड मीटिंग। ठीक है, बोर्ड मीटिंग का सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम तीन पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि ये कहाँ लगेगा, फिर किस किस कंपनी पे लगेगा, इसका स्कोप क्या है। फिर सेकेंड थिंग हमने कवर करी थी, सेकेंड थिंग देखो एक बार हम इसको देखते हैं, सेकेंड थिंग हमने कवर करी थी कन्वीनिंग ऑफ मीटिंग्स, कि मीटिंग कन्वीन करते हैं तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है। ठीक है, थर्ड थिंग हमने इसमें कवर करी थी कि हमारी बोर्ड मीटिंग की फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए। ठीक है, कि बोर्ड मीटिंग आपको कितने टेन्योर में करनी है, कितने डेज का गैप होना चाहिए, वो सब। आज हम डिस्कस करेंगे कोरम। कोरम हो गया, देखो सबसे पहले आपने देख लिया कि मीटिंग कन्वीन करनी है, कन्वीन करने के लिए नोटिस भेजना है, हमने देखा कि मीटिंग कन्वीन करनी है, नोटिसेस भेजने हैं, किसको भेजना है, डायरेक्टर्स को भेजना है, कितने दिन में भेजना है, किस तरीके से नोटिस भेजना है। फिर हमने देखा कि मीटिंग करनी कितनी फ्रीक्वेंसी पे है, एक करनी है, साल में दो करनी है, चार करनी है, कितनी करनी है। अब हम बात करेंगे कि मीटिंग कर रहे हैं तो मीटिंग करने के लिए क्या कोई एक बंदा, कोई एक डायरेक्टर भी आएगा तो क्या हम मीटिंग कर पाएंगे, यानी कि कोरम। कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन आपको कितने चाहिए एक मीटिंग को कन्वीन कर, कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, कन्वीन करने के लिए। ठीक है, कोरम का सेक्शन है सेक्शन 174। ठीक है, सेक्शन 174 में भी हमने कोरम डिस्कस किया था, उसमें कुछ चीज़ें लिखी थी, इसमें भी वही चीज़ें लिखी हैं विद क्लैरिफिकेशन, कुछ एक्स्ट्रा भी आपको मिलेगा। तो कोरम को हम समझते हैं, कोरम होता है, देखो कोरम शेल बी प्रेजेंट थ्रू आउट द मीटिंग। सबसे पहली बात कि कोरम जो आपको चाहिए ना वो थ्रू आउट द मीटिंग चाहिए, यानी कि अगर आप मीटिंग शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आपके पास 10 पर्संस हैं, 10 डायरेक्टर हैं, ठीक है, तो वो आपको मीटिंग के एंड तक चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि शुरू में कोरम था 10 डायरेक्टर का, बीच में 3 उठ के चले गए, अब लास्ट में आते आते 7 डायरेक्टर बचे, ऐसा नहीं चलेगा। पूरे मीटिंग में आपका कोरम मेंटेन रहना चाहिए। सबसे पहली बात लिखा है, देखो कोरम शेल बी प्रेजेंट Not only at the time of commencement of the meeting, but also while transacting business. मतलब जब आप हर business transact कर रहे होगी ना, businesses transact कर रहे हो, आपको वहाँ पे quorum चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं second point, 3.2। 3.2 क्या कहता है? Our director shall neither be reckoned for quorum nor shall be entitled to participate in respect of an item of business in which he is interested. However, in case of private company, our director shall be entitled to participate in respect of such item after disclosure of his interest. यानी कि बोला कि एक डायरेक्टर जो है ना, अगर वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर, अगर वो इंटरेस्टेड है किसी पर्टिकुलर आइटम ऑफ बिजनेस में, मान लो एक बोर्ड मीटिंग है, उस बोर्ड मीटिंग में 10 आइटम डिस्कस करनी है, 10 में से 2 आइटम में एक डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, तो क्या लिखा है, अ डायरेक्टर शैल नीदर बी रिकॉर्ड फॉर कोरम नॉर शैल बी एंटाइटल टू पार्टिसिपेट। वो डायरेक्टर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि वो जो डायरेक्टर है ना, वो उन आइटम ऑफ बिजनेसेस के लिए मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, बट इसमें एक चीज बोली कि प्राइवेट कंपनी, अगर मीटिंग जो है वो प्राइवेट कंपनी की है, तो वो डायरेक्टर किसका हो गया, प्राइवेट कंपनी का, यानी कि प्राइवेट कंपनी के केस में डायरेक्टर जो है ना मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन उसको अपना इंटरेस्ट जो है ना वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर दे, उसके बाद वो उस पर्टिकुलर आइटम के लिए भी पार्टिसिपेट कर सकता है मीटिंग में। बात समझ में आई है? प्राइवेट कंपनी में कर सकता है, बट पब्लिक कंपनी या और कोई भी कंपनी होगी तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, अब बोला कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर होगा कौन, तो बोला फॉर दिस पर्पस आर डायरेक्टर शैल बी ट्रीटेड एज इंटरेस्टेड। आप उसको तब इंटरेस्टेड मानोगे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या किसी अरेंजमेंट में एंटर्ड इनटू और प्रपोज टू बी एंटर इनटू, या तो एंटर हो चुका है या प्रपोज टू बी एंटर्ड या फिर एंटर्ड होना है इनटू बाय द कंपनी। अब कंपनी किसके साथ जो है आपका ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या अरेंजमेंट कर रही है, वो कंपनी किसके साथ कर रही है, बोला विद एनी बॉडी कॉर्पोरेट, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ, इफ सच डायरेक्टर अलॉन्ग विद अदर डायरेक्टर्स, अगर उस बॉडी कॉर्पोरेट में
वो डायरेक्टर प्लस में अलॉन्ग विद कुछ डायरेक्टर्स के साथ मिलके होल्ड करता है मोर देन 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दैट बॉडी कॉर्पोरेट, या फिर ही इज अ प्रमोटर और मैनेजर और सीईओ ऑफ दैट बॉडी कॉर्पोरेट। बात ध्यान से सुनो, कंपनी क्या कर रही है, मान लो एक कंपनी है कंपनी ए लिमिटेड, ठीक है, वो ए लिमिटेड एक बॉडी कॉर्पोरेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है या अरेंजमेंट करती है, या तो कर चुकी है या प्रपोज टू बी एंटर्ड है, दो चीजें हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट कर चुकी है या तो कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है या प्रपोज टू बी कॉन्ट्रैक्टेड है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है अभी करना है, अभी हुआ नहीं है, प्रपोज, ठीक है, विद एनी बॉडी कॉर्पोरेट। अब ध्यान से सुनना, एक ए लिमिटेड है जो कंपनी है, एक बॉडी कॉर्पोरेट, ए लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट करना है बॉडी कॉर्पोरेट के साथ। अब अगर ए लिमिटेड का कोई भी डायरेक्टर दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में या तो खुद से या फिर दूसरे डायरेक्टर्स के साथ, ए लिमिटेड के दूसरे डायरेक्टर्स के साथ मिलके अगर होल्ड करता है 2% से ज्यादा, होल्ड्स मोर देन 2, यानी कि 2 भी होल्ड किया तो नहीं चलेगा, अगर मोर देन 2 होल्ड करता है, इक्वल टू नहीं है, मोर देन है, मोर देन 2% अगर होल्ड करता है, मोर देन 2% पेड अप शेयर कैपिटल का, या फिर उस बॉडी कॉर्पोरेट में ए लिमिटेड का कोई डायरेक्टर या तो प्रमोटर है या मैनेजर है या सीईओ, पीएमसी, प्रमोटर मैनेजर सीईओ, इन तीनों में से कुछ भी है, तो हम उस डायरेक्टर को इंडस्ट्री डायरेक्टर मानेंगे। सेकंड पॉइंट, अगर कोई कंपनी यानी कि ए लिमिटेड अगर कॉन्ट्रैक्ट करती है या अरेंजमेंट करती है किसके साथ, विद अ फर्म के साथ या अदर एंटिटी के साथ, अब इफ सच डायरेक्टर इज अ पार्टनर ऑनर या मेंबर एज अ केस में बी ऑफ दैट फर्म और अदर एंटिटी, यानी कि आप डायरेक्टर को इंटरेस्टेड कब मानोगे, अगर कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया या अरेंजमेंट किया या प्रपोज टू बी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट है किसके साथ, फर्म के साथ या फिर अदर एंटिटी के साथ, लेकिन इन दोनों में, फर्म में या फिर एंटिटी में, आपका डायरेक्टर या तो पार्टनर है या ऑनर है या मेंबर है, इस केसेस में आप मानोगे कि आपका डायरेक्टर जो है ना वो इंटरेस्टेड डायरेक्टर। यहाँ तक की बात समझ में आई, सबसे पहले से देखते हैं कि सबसे पहले था कि कोरम जो चाहिए ना आपको मीटिंग के स्टार्टिंग में नहीं चाहिए, थ्रू आउट द मीटिंग चाहिए, यहाँ तक की बात क्लियर थी। फिर बोला कि अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड डायरेक्टर है ना तो वो मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, लेकिन इसके साथ एक लाइन बोली, अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो वो डायरेक्टर अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर देगा कि मैं इस पर्टिकुलर बिजनेस ऑफ आइटम ऑफ बिजनेस में इंटरेस्टेड हूँ, डिस्क्लोजर देने के बाद वो पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर बोला कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर होगा कौन, तो उसके लिए अगर जिस कंपनी के तुम डायरेक्टर हो वो कंपनी अगर बॉडी कॉर्पोरेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या प्रपोज्ड है, अगर तुमने होल्ड किया है खुद से या अलॉन्ग विद अदर डायरेक्टर्स मोर देन 2%, तो तुम इंटरेस्टेड हो, या फिर तुम क्या हो, पीएमसी, प्रमोटर मैनेजर सीईओ, ठीक है, प्रमोटर मैनेजर सीईओ। सेकंड पॉइंट आता है कि अगर तुम्हारी कंपनी ने किसी फर्म के साथ या किसी एंटिटी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है या करना है, एंटर्ड या फिर प्रपोज्ड दोनों चीजें हैं, और तुम यानी कि डायरेक्टर उस फर्म में या एंटिटी में क्या है POM, पार्टनर है, ऑनर है या मेंबर है, POM, ऊपर क्या था, PMC, ये क्या है, POM, POM मतलब पार्टनर है, ऑनर है या मेंबर है, तो तुम क्या माने जाओगे, इंटरेस्टेड डायरेक्टर, ठीक है। उसके बाद बात आती है, अगर आइटम ऑफ बिजनेस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, यानी कि जो आपको बिजनेस आइटम डिस्कस करनी है ना वो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, सेक्शन 188 में कवर होता है, ठीक है। अब अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो देन ही शैल नॉट बी प्रेजेंट एट द मीटिंग, वेदर फिजिकली या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोट, ड्यूरिंग डिस्कशंस एंड वोटिंग ऑन सच आइटम। यहाँ से सुनो, बोला कि अगर आइटम ऑफ बिजनेस
रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, तो ही शैल नॉट बी प्रेजेंट। तो वो प्रेजेंट इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो है प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ना तो फिजिकली ना इलेक्ट्रॉनिकली, डिस्कशंस के टाइम पे एंड वोटिंग के टाइम पे, यानी कि दोनों टाइम पे अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है और उसमें वो डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो ना तो वो फिजिकली प्रेजेंट होगा ना ई वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड से प्रेजेंट होगा, यानी कि ना तो फिजिकली प्रेजेंट हो सकता है ना इलेक्ट्रॉनिक मोड से प्रेजेंट हो सकता है ड्यूरिंग डिस्कशन, डिस्कशंस के टाइम पे और वोटिंग के टाइम पे, दोनों ही टाइम पे वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। बात समझ में? अब आते हैं 3.3 कहते हैं डायरेक्टर्स पार्टिसिपेटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इन अ मीटिंग शैल बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ वोटिंग unless they are to be excluded for any item of business under provisions of the act or any other law। ध्यान से सुनना, बोला कि अगर कोई डायरेक्टर मीटिंग में फिजिकली नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉनिक मोड से मीटिंग को अटेंड कर रहा है, तो क्या वो कोरम के लिए काउंट होगा? बिल्कुल होगा, शेल बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम unless, जब तक उसको कोरम के लिए एक्सक्लूड ना करा जाए या तो एक्ट में या लॉ में। अब इस पे था एक रूल, ठीक है, जो रूल था वो रूल था कि क्या हम आइटम्स को, कुछ आइटम ऑफ बिजनेस को क्या हम इलेक्ट्रॉनिक मोड से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डिस्कस कर सकते हैं। कुछ के लिए पहले जो थी ना प्रोहिबिशन थी कि हम उसको डिस्कशन नहीं कर सकते, जैसे मर्जर ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन हो गया, बायबैक हो गया, कुछ बड़ी बड़ी आइटम्स थी जिन पे था कि आप इसको ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डिस्कस नहीं कर सकते, बट अब वो हट गया है। अब ये अलग कंसेप्ट है कि डायरेक्टर जो है अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से, आप देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आप जब मीटिंग कन्वीन करते हो, करने लगते हो, तो डायरेक्टर्स को नोटिस जाता है, नोटिस के साथ आप उनको बोलते हो कि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक मोड से मीटिंग को अटेंड करने की फैसिलिटी है। अब उनके पास फैसिलिटी है, ये तो आ गई पहली बात। अब अगर उनको आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से अटेंड करने की फैसिलिटी दे रहे, मान लो आपकी कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, और कोरम के लिए मान लो, लेट से मान लो कि आपको कोरम चाहिए 5 डायरेक्टर, और आपके जो है ना पांचों के पांचों डायरेक्टर आपको बोलते हैं कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इलेक्ट्रॉनिक मोड से मीटिंग को अटेंड करेंगे, ठीक है, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आएगा ना कि मेरे तो सारे डायरेक्टर्स ने उस फैसिलिटी को अवेल किया, सबने ही बोल दिया कि हम इलेक्ट्रॉनिक मोड से मीटिंग अटेंड करेंगे, तो अब दिमाग में क्वेश्चन क्या आएगा कि अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक मोड से अटेंड करेंगे तो क्या हम उसको कोरम मानेंगे, क्या हम मीटिंग कन्वीन कर सकते हैं अगर सारे के सारे ने वो फैसिलिटी ले दी। समझ में आ रही है मेरी बात? मान लो सारे ने नहीं किया, 5 के लिए कोरम चाहिए था, 2 फिजिकली प्रेजेंट है, 3 ने आपसे फैसिलिटी मांगी, तो क्या हम उसकी प्रोविजंस चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो यहाँ पे यही लिखा है कि अगर डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मोड से मीटिंग को अटेंड करता है तो हम उसे कोरम के लिए काम करेंगे, अनलेस, जब तक हम उसे किसी पर्टिकुलर आइटम ऑफ बिजनेस के लिए एक्सक्लूड नहीं कर देते कि अगर वो इस आइटम के लिए पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मोड से, हम उसे कोरम के लिए काम नहीं करेंगे। एक्सक्लूड कहाँ किया जाएगा? या तो एक्ट में किया जाएगा या लॉ रूल्स में किया जाएगा, एक्ट रूल्स या फिर किसी और लॉ, ठीक है। नॉर्मली अगर कोई डायरेक्टर ई मोड से प्रेजेंट हो रहा है तो उसे कोरम के लिए काउंट करोगे, और करना भी चाहिए अगर आप फैसिलिटी दे रहे हो, फैसिलिटी देने के बाद अगर वो आ रहे हैं अब उसे कोरम में भी काउंट नहीं कर पा रहे तो बेकार हो जाएगा ना। एक लॉजिकली बात को सोचें तो अगर फैसिलिटी दे रहे हो तो कोरम के लिए भी काउंट होना चाहिए, वो हो रहा है। बात समझ में आई है? अब आता है मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड 3.4। ये कहता है द कोरम फॉर अ मीटिंग ऑफ अ बोर्ड शैल बी, ये चीज हमने सेम सेक्शन में भी लिखी हुई है, ध्यान से सुनना। कोरम कितना चाहिए? जिसने जिसने सेक्शन की वीडियो देखी है सेक्शन 174 वो मेरे साथ बोलेंगे, कोरम कितना चाहिए? या तो 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड या फिर 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर, यानी कि टोटल स्ट्रेंथ आपके डायरेक्टर की जितनी है या तो उसका 1/3 ले लो या 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। कोरम कितना? 1/3 या 2 व्हिचएवर इज हायर। अगर कोई फ्रैक्शन निकला, मान लो 10 का 1/3 करोगे तो क्या पर्टिकुलर नंबर आएगा?
राउंडेड ऑफ में करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। 10 का 1/3 3 समथिंग में आएगा, तो क्या आप 3.3 बंदे लाओगे? तो क्या बंदे का हाथ लाओगे? नहीं नहीं मैम, हाथ नहीं लाते, उसका दिमाग ही आते काम आ जाए। नहीं, राउंडेड ऑफ करोगे आप, फिर कोरम कितना देखोगे आप, कितना कोरम चाहिए? 4 चाहिए। एनी फ्रैक्शन कंटेन्ड इन अबव 1/3 शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट वन। उसका दिमाग नहीं लेके आना है, पूरा का पूरा पर्सन लेके आना है। तो कोरम के लिए आपको कितना चाहिए होगा? 10 के केस में 4, ठीक है। वेयर द कोरम रिक्वायरमेंट प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स, ये चीज मैंने आपको बताई थी कि आप चाहो तो कोरम जो है ना 1/3 और 2 से ज्यादा भी अपने आर्टिकल्स में लिख सकते हो। मान लो आपकी कंपनी में 9 डायरेक्टर्स है, 9 के केस में आपका कोरम 1/3 के हिसाब से कितना हो गया? 3 और 2 व्हिचएवर इज हायर, यानी कि 3। बात समझ में आ रही है? स्पीडली तो नहीं बता रही मैं, तो कितना हो गया? 3। कितने डायरेक्टर्स हो गए? 3। आप चाहो तो अपने आर्टिकल्स में लिख सकते हो कि हमारा कोरम 5 रहे है। तो आर्टिकल्स में जो लिखा है वो मान लीजिए, ठीक है। वेयर द कोरम रिक्वायरमेंट प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स इज हायर देन द 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ द कंपनी शैल कंफर्म टू सच हायर रिक्वायरमेंट। अच्छा समझ में आ रही है? जैसे नोटिस के केस में हम करते थे कि नोटिस वैसे तो कितने डेज का होता है? 7 डेज का। पोस्ट इंक्लूड कर दो तो 2 डेज आपको पोस्ट के इंक्लूड करने पड़ते हैं। चीज़ों को कनेक्ट किया करो तभी याद होती है। नोटिस के केस में 7 डेज का नॉर्मल नोटिस आता है, पोस्ट के केस में 2 डेज आप और इंक्लूड करते हो, ठीक है। उसमें भी लिखा था अगर कोई कंपनी चाह रही है कि नहीं हम 7 दिन का नोटिस नहीं देंगे, नहीं हम 10 दिन का नोटिस देंगे, नहीं हम 15 दिन का नोटिस देंगे, तो क्या कोई कंपनी अपने आर्टिकल्स में लिख सकती है? यस, बिल्कुल लिख सकती है। अब जो टोटल डायरेक्टर्स, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड, यहाँ पे लिखा है टोटल स्ट्रेंथ। जब आप टोटल स्ट्रेंथ को काउंट करोगे ना, वो डायरेक्टर जिनका प्लेस वैकेंट है, यानी कि जिनके प्लेस पे अभी कोई डायरेक्टर नहीं है, तो उनको आप काउंट नहीं करोगे कोरम की कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। अब बोला इफ, ये सेम चीज सेक्शन में भी लिखी थी, रिपीट हो रही है रिवाइज में, इफ द नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स एक्सीड्स और इक्वल टू 2/3 ऑफ द स्ट्रेंथ, यानी कि अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर एक्सीड्स होते हैं या इक्वल होते हैं, ज्यादा या 2/3 के बराबर, टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 या उससे ज्यादा आपका डायरेक्टर जो है ना इंटरेस्टेड बन जाता है, तब कोरम कितना रहेगा? रिमेनिंग डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग बीइंग नॉट लेस देन 2, 2 से कम नहीं होने चाहिए, उसी को कोरम मानेंगे। एक बोर्ड मीटिंग हो रही थी, वहां पे कितने डायरेक्टर का एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बोर्ड मीटिंग हो रही थी, 9 डायरेक्टर था, 9 का 2/3 कितना हो गया? 6। मान लो कि 9 में से 6 जो थे ना वो इंटरेस्टेड थे, ठीक है, 6 इंटरेस्टेड थे, और कितने बचे? 3 बचे। तो बोला रिमेनिंग कम से कम 2 होने चाहिए तभी आपका कोरम माना जाएगा। अगर मान लो कि 7 डायरेक्टर प्रेजेंट थे, 6 इंटरेस्टेड थे, बचा 1, तो क्या मीटिंग में कोरम माना जाएगा? नहीं, क्योंकि कोरम हमें इंटरेस्टेड डायरेक्टर को हटाने के बाद एटलीस्ट 2 का कोरम हमें चाहिए। बात समझ में आई? उसके बाद बोला कि अगर कोई मीटिंग कोरम की वजह से नहीं हो पाती, इफ द मीटिंग ऑफ द बोर्ड कुडंट बी हेल्ड फॉर वांट ऑफ कोरम, देन अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स, मीटिंग जो होगी वो एडजर्न हो जाएगी ऑटोमेटिकली इन द नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम। अगर वो नेशनल हॉलीडे है तो नेक्स्ट डे में होएगी, विच इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे, सेम टाइम सेम प्लेस। फिर बोला इफ देयर इज अ कोरम एट द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो, अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं है तो मीटिंग शैल स्टैंड कैंसिल। 2 मौके मिले, पहला बोला कि अगर कोरम नहीं था पहली बार मीटिंग में तो कैंसिल नहीं होगी, नेक्स्ट डे सेम प्लेस सेम टाइम, नेक्स्ट वीक का सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम। फिर बोला कि अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं है तो फिर मीटिंग को कैंसिल, मीटिंग उसी टाइम कैंसिल हो जाएगी। एक मौका मिला था, एडजर्न किया, एडजर्न में भी अगर कोरम नहीं आया तो मीटिंग स्टैंड कैंसिल्ड, ठीक है। यहां तक की कहानी समझ में आई? जल्दी तो नहीं बता रही,
सबसे पहली चीज आपकी थी कोरम कितने टाइम के लिए चाहिए, क्या पूरी मीटिंग में चाहिए, फिर बोला कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर के केस में क्या होगा, फिर हमने नॉर्मल बात करी क्या इलेक्ट्रॉनिक मोड से डायरेक्टर जो अटेंड कर रहे हैं क्या उनको हम कोरम में काम करेंगे, फिर बोला मीटिंग ऑफ बोर्ड कितना कोरम चाहिए, 1/3 और 2 और पूरी कहानी से। अब आ जाती है वेयर 3.4.2 पे, वेयर द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज रिड्यूस्ड बिलो द मिनिमम फिक्स्ड बाय द आर्टिकल्स, नो बिजनेस शैल बी ट्रांजैक्टेड अनलेस द नंबर इज फर्स्ट मेड अप बाय रिमेनिंग डायरेक्टर्स और थ्रू अ जनरल मीटिंग। यहाँ पे बात हो रही है कि अगर आपके आर्टिकल्स में जितना कोरम लिखा है, अगर आपके डायरेक्टर्स किसी भी रीजन से, चाहे कैजुअल वैकेंसी हो गई, चाहे रेजिग्नेशन हो गया, किसी भी वजह से अगर आपके कंपनी में डायरेक्टर्स उस कोरम से कम हो जाते हैं तो क्या आप कोई मीटिंग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। नो बिजनेस शेल बी ट्रांजेक्टेड अनलेस, जब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप उस नंबर को यानी कि उतने डायरेक्टर्स को फिर से फुलफिल ना करो, यानी कि द नंबर इज फर्स्ट मेड बाय द रिमेनिंग डायरेक्टर्स, जो भी रिमेनिंग डायरेक्टर बोर्ड में बचे हैं वो उन डायरेक्टर्स की पोजीशन को फिल करेंगे, तभी आपको आइटम को ट्रांजेक्ट कर पाओगे। इफ द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज रिड्यूस्ड बिलो द कोरम फिक्स्ड बाय द एक्ट, एक्ट में जितना कोरम लिखा था अगर आपके डायरेक्टर्स उतने से कम हो जाते हैं फॉर अ मीटिंग ऑफ अ बोर्ड, तो कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स जो होंगे ना मे एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, वो काम करेंगे डायरेक्टर्स के नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए टू दैट फिक्स्ड कोरम, ताकि आपका कोरम एटलीस्ट पूरा हो, और ऑफ समनिंग अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, ठीक है, एंड फॉर नो अदर पर्पस, यानी कि अगर आपके डायरेक्टर कम हुए हैं तो पहले उनको इंक्रीज करके वापस फुलफिल करो, तभी आप आइटम को ट्रांजेक्ट। बात समझ में आई है? सिंपल सी थी, कुछ मुश्किल तो नहीं था। अब बात आती है कमिटी मीटिंग, कमिटी मीटिंग के लिए कैसे देखोगे? अभी तक जो हमने सारी बात करी है ना, अभी तक की तो सारी थी बोर्ड मीटिंग की, अब है कमिटी मीटिंग। बोला अनलेस अदरवाइज स्टिप्यूलेटेड इन द एक्ट और द आर्टिकल्स, जब तक एक्ट में कुछ ना लिखा हो या आर्टिकल्स में कुछ ना लिखा हो और अंडर एनी अदर लॉ और किसी और लॉ में कुछ ना लिखा हो, द कोरम फॉर मीटिंग्स ऑफ एनी कमिटी, यानी कि कमिटी की कोई भी मीटिंग हो रही है तो उसका कोरम जो होगा, और वो कमिटी किसने बनाई है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द बोर्ड, शेल बी एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, इफ नो सच कोरम इज स्पेसिफाइड द प्रेजेंस ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ एनी सच कमिटी इज नेसेसरी टू फॉर्म द कोरम। Regulations framed under any other law may contain provisions for the quorum of a committee and such stipulations shall be followed. बात को ध्यान से सुनो। कमिटी किसकी है? बोर्ड की। तो कमिटी मीटिंग में कितना कोरम रहेगा ये कौन डिसाइड करेगा? शेल बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड, यानी कि कितना कोरम रहेगा ये कौन बताएगा? बोर्ड बताएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर बोर्ड ने नहीं बताया कितना कोरम है, इफ नो सच कोरम इज स्पेसिफाइड, तो क्या होगा? द प्रेजेंस ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ एनी सच कमिटी इज नेसेसरी टू फॉर्म द कोरम, यानी कि उस कमिटी में जितने भी मेंबर हैं ना सारे प्रेजेंट होने चाहिए तभी कोरम मानेंगे, यानी कि या तो अगर बोर्ड बता देता है तो ठीक है, अगर बोर्ड ने नहीं बताया तो कमिटी के मेंबर्स जितने हैं सारे के सारे आएंगे तभी हम मानेंगे कि कोरम प्रेजेंट है, अदरवाइज कोरम प्रेजेंट नहीं है ये माना जाएगा, ठीक है। फिर नॉर्मल सी बात बोल दी कि रेगुलेशंस फ्रेम अंडर एनी अदर लॉ, अगर किसी और लॉ में कोई और रेगुलेशंस बनती हैं और उसमें कोरम के बारे में, कमिटी के मीटिंग के कोरम के बारे में लिखा जाता है तो हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ये थी सारी कोरम की कहानी, हमने स्टार्टिंग से देखा कोरम कब चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को कोरम मानेंगे, इंडस्ट्री डायरेक्टर के लिए क्या कंसेप्ट है, अगर मेरे पास जितने डायरेक्टर मुझे कोरम के लिए चाहिए अगर उतने से ही कम हो जाते हैं, कंपनी में वो है ही नहीं, उनकी पोजीशंस वैकेंट पड़ी है, तो क्या मैं मीटिंग कर लूँ या पहले मैं उन डायरेक्टर्स की पोजीशंस को फिल करूँ, कोरम को जो लिखा हुआ है एटलीस्ट कंपनी में उतने डायरेक्टर्स रखूँ तभी मीटिंग कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले। फिर कमिटी मीटिंग का क्या कोरम रहेगा उसके भी आंसर मिले, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी आपकी कोरम, समझ में आई है? अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉइंट 4,
वो रहेगा अटेंडेंस का, कि मीटिंग में अटेंडेंस कैसे होगी, कौन रिकॉर्ड करेगा, क्या कोई रजिस्टर होगा, रजिस्टर होगा तो किसकी कस्टडी में रहेगा, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ आपको कोरम समझ में आया होगा। तो अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ शेयर करें, नॉलेज को सिर्फ अपने तक नहीं रखें, आगे शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।